ओम नमः शिवाय। भक्तों, अक्सर मेरे पास कॉल आते हैं कि गुरुजी, मैंने घर शिफ्ट किया और मेरा जो भाग्य है वो बदल गया है। नौकरी के अच्छे अवसर मिल रहे हैं, तरह तरह की जॉब्स ऑफर आ रहे हैं और उनका जो भाग्य है वो बदल जाता है। और कई ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि गुरुजी, जब से घर शिफ्ट किया है तब से जो है नकारात्मक ऊर्जा ने हमें घेर लिया है, तरह तरह के रोग से हम ग्रसित हो गए हैं और न जाने नाना प्रकार के झंझट, कोर्ट कचहरी, विवाद, इन सब में फंस गए हैं। तो ऐसा क्या होता है कि कुछ घर जो है वो शुभ होते हैं, कुछ घर अशुभ होते हैं? तो देखिए, प्राचीन काल से ही हमारे पूर्वज ये जानते थे कि घरों की जो ऊर्जा है उसको किस दिशा में रखना है। वास्तु शास्त्र में हर एक कोण का अपना ही एक महत्व है। अग्नि कहाँ पर होनी चाहिए, पानी कहाँ होना चाहिए, सब कुछ एक सटीक जगह पर बनाया गया है। और आप पाएंगे कि जब ये सारा संतुलित होता है तो आपके भीतर जो है एक पॉजिटिविटी आती है। और अगर किसी घर में अकाल मृत्यु हुई हो तो उस घर में भूत नाचते हैं। और जब आप किसी ऐसे घर में प्रवेश करते हैं तो आपकी जिंदगी भी खराब हो जाती है। इसी तरह आपको मैं आज बताऊंगा कि अगर आप एक नया घर बना रहे हैं तो उसमें उसकी नींव में क्या क्या डालें, उसकी फाउंडेशन में क्या क्या डालें, जिससे कि जो घर है वो आपको नए नए अवसर दे, आपके लिए एक लकी चार्म बन जाए आपका घर। तो सबसे पहले देखिएगा, जब नींव रखी जाती है, जिस दिन रखी जाती है, उस दिन आपको देखना है कि कृष्ण पक्ष है या शुक्ल पक्ष। अगर इतना ना पता हो तो आप बस इतना देख लीजिए कि जो चांद है वो अंधेर की तरफ जा रहा है या फिर प्रकाश की तरफ। अगर चांद कट कट कर काला हो रहा है तो उसमें घर ना बनाइए। अगर चांद पूर्णिमा की तरफ बढ़ रहा है तो उसमें आप अपना घर बना सकते हैं। सबसे पहली बात, ये मुहूर्त आपने देख लिया। इसके बाद आपको देखना है कि कोई विशेष तिथि, जैसे कि 7 तारीख, इस पर अपना घर बनाएं, 13 तारीख पे अपना घर ना बनाएं। ये तिथियां आपको देखनी है। शुभ होता है 1, 11 और 7। ये तिथियां ऐसी हैं जब आप घर की नींव रख सकते हैं बिना सोचे समझे, या किसी ऐसे पर्व पर अपनी नींव रख सकते हैं। उसके बाद आप कभी भी इसकी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, लेकिन जो जब नींव रखी जाती है वो दिन शुभ होना चाहिए। इसके बाद जब आप पहली बार नींव रखें तो उसमें नाग नागिन का एक जोड़ा रखें नींव के भीतर, और 1 रुपया। थोड़ी सी दुबर रखें और उस पर थोड़ा सा दूध छिड़कें। ऐसा करके आपको उस नींव को बंद कर देना है। एक दिन के लिए इसको बंद रहने दीजिए और उसके बाद जो है चिनाई शुरू कीजिए। इसके अंदर आप फुरपा भी रख सकते हैं, चिरमी के साथ बीज भी रख सकते हैं। ये जो है इन्हेंस कर देंगे आपके इस घर को लकी चाम बनाने के लिए। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि किस तरह से शेषनाग का जोड़ा रखा गया है, और ये जो है ये काफ़ी लकी होते हैं आपके लिए। अगर आपके घर में भी कोई वास्तु दोष है या फिर किसी भी तरह की परेशानी आपको आई हो किसी घर को शिफ्ट करने में या फिर किसी घर के नया घर लेने में, तो आप उसकी नेगेटिव एनर्जीज़ को दूर करा सकते हैं वास्तु के उपायों से। आप कॉल कर सकते हैं 999-284-1625 पर, और यथासंभव जो भी हेल्प हो सकेगी वो मैं आपको दूंगा। धन्यवाद।